गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में जालंधर के बस्ती शेख रोड स्थित राजेश्वरी धाम माँ देवी राजपुरानी मंदिर में एक भव्य जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। इस आयोजन की शुरुआत भजन गायक सुमित निमानायन पाटी ने गिरीश वंदना को गाकर की, जिसके बाद भजन गायक ने माँ के मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को झूमने पर विवश कर दिया। इस विशेष अवसर पर होशियारपुर से सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ उनके सुपुत्र डॉक्टर ईशांक चब्बेवाल व समाज सेवी गुलशन मदान भी माता के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने माता के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान कैलाश बब्बर ने डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल को माता की चुनरी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर रामकिशन नानू, विजय दुआ, सुषमेंद्र नैयर, जतिन बब्बर, सतीश बब्बर, राजीव सहदेव, ज्योति बब्बर, सुरेंद्र मनचंदा, कृष्ण अरोड़ा, विजय बेगोवाल और पंडित विष्णु प्रसाद शामिल थे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पवित्र पावन दरबार दे विच अज दास नूं आण दा मौका मिलिया और देवी राजरानी वैष्णो मंदिर जिहड़ा इह साडा बहुत ही पुरातन स्थान है और माता जी दे आशीर्वाद सदका बहुत वख वख शख्सियतां राजनीतिक धार्मिक सारियां शख्सियतां इत्थे नतमस्तक होण आईआं। सो अज दे इस दिहाड़े ते अष्टमी ते गोपाष्टमी ते मैं अज सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहुंदा, बहुत बहुत बधाई देना चाहता और खास तौर पर साढ़े प्रधान कैलाश बब्बर जी तो समूह कमेटी मैंबर साहबान उन्हों का भी बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने बहुत प्यार दिता, आशीर्वाद दिता और बहुत मान सम्मान दिता। उस मान सम्मान के लिए मैं उन्हों का धन्यवाद करता और अज पवित्र पावन दरबार के अज भी उचेचे तौर पर अज असी बेनती लगा आए सी, अर्ज कर आए सी कि मेरा पुत्र डॉक्टर ईशांक कुमार जी वह भी इलैक्शन से जो बाय इलैक्शन हो रहा जिमनी चोण हो रही है वो उदे विच खड़ा है तो महामाई के दरबार अज दुआ की है तो उम्मीद है कि वह भी
बहुत वड्डी कामयाबी जिहड़ी उन्हां नूं मिलेगी। सो बहुत बहुत धन्नवाद सारी संगत का, बहुत बहुत धन्नवाद जयकारा शेरां वाली का। होर सच दरबार की।